नमस्ते साथियों, आज मैं जा रहा हूँ मुंबई के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, गेटवे ऑफ इंडिया। और मैं अभी CST रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ, जो कि ये है बाहर का नज़ारा। और आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और जस्ट इसके बगल में है मुंबई का BMC कार्यालय, यानी कि मुंबई का मुख्यालय। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। और जस्ट इसके सामने है भारत का सबसे महंगा होटल, यानी कि ताज होटल। तो चलिए दोस्तों और इसके बारे में जानते हैं। हे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आया हूँ मुंबई के खूबसूरत जगहों में से एक, मुंबई छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, जो कि मैं ये अंदर का स्टेशन है, पूरा स्टेशन है। और मैं यहाँ से जाऊँगा गेटवे ऑफ इंडिया। और आज आप इस वीडियो में कई जगहों का वीडियो एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा, जो कि पहला होगा छत्रपति शिवाजी अंदर और बाहर से पूरा स्टेशन। और यहाँ से चलूँगा गेटवे ऑफ इंडिया एंड ताज होटल। तो दोस्तों देख सकते हैं अंदर कुछ इस तरह का नज़ारा होता है। और ये लोकल ट्रेन है और ये लास्ट स्टेशन है, यहाँ से सब ट्रेनें वापस जाती है। क्योंकि मुंबई में या मुंबई से बाहर कहीं आपको जाना हो तो यहाँ से आपको हर जगह का ट्रेन मिल जाता है। यहाँ पे कुल 18 रेल प्लेटफार्म हैं और यहाँ पे लगभग हमको लग रहा है वही 1200 से 1400 ट्रेनें डेली अप डाउन करती है। तो दोस्तों चलिए यहाँ से चलते हैं बाहर और देखते रहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा फैन लगा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा फोन में भी नहीं आ रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है। और चलिए आगे दिखाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी भी होता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार कुछ आतंकवादियों द्वारा अटैक हो चुका है। उसी दिन ताज होटल में भी हुआ था, जो कि मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, और काफ़ी शानदार स्ट्रक्चर है। और दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे मिलता है टिकट, और दिखा सकते हैं ये टिकट हाल है और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ का स्ट्रक्चर मैं पहले एक वीडियो बना के दिखा चुका हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे सब पत्थर का बनाया हुआ है। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और एक साइड सेल्फ टिकट है, सामने जाके आप फोन पे या पेटीएम से निकाल सकते हैं, और इस साइड आप कैश ले सकते हैं। जो कि आज संडे का दिन है और भीड़ भी नहीं है, तो यहाँ से मैं चलता हूँ बाहर और बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको क्या। और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। दोस्तों मैं बाहर आ चुका हूँ और हमारे पीछे देख सकते हैं भारत का मुख्यालय, यानी कि मुंबई का मुख्यालय है, जो कि मैं इसके पहले एक वीडियो स्पेशल इस यहाँ का बनाया हूँ, तो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और थोड़ा दूर चल के दिखाता हूँ पूरा यहाँ का, देख सकते हैं नज़दीक से पूरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है एक तरफ। ये अपना स्टेशन है, जो कि पहले BT नाम से जाना जाता था, विक्टोरिया टर्मिनल। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत, ये देख सकते हैं जो कि ये मुंबई का मुख्यालय, और एक साइड पूरा स्टेशन है, जो कि पहले BT रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, जो कि अब CST लोग कहते हैं। जो कि तो भाई लोग यहाँ से हम लोग बस स्टैंड पे जा रहे हैं, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। थोड़ा सा आगे 200 मीटर जाएंगे तो आपको बस स्टैंड मिलेगा, और रास्ते में बहुत सारे दुकानें मिलेंगी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। एक हमारे साथ एक चेला आया है, अभी इसे पूरा वीडियो शूट करवाऊँगा। एक इधर है जो कि बहुत दांत छियार रहा है। हाँ जी दोस्तों, मैं बस स्टैंड पे आ चुका हूँ, जो कि यहाँ से 116 नंबर का बस जाएगा। ये बाइक किसका हो? तो यहाँ से देख सकते हैं बस स्टैंड है, और यहाँ से 116 नंबर का बस जाएगा, जो कि 5 रुपये किराया है। और मैं बस में बैठने जा रहा हूँ, बहुत लंबा लाइन था ना। Hello।
पानी। दोस्तों मैं गेट ऑफ इंडियन ताज होटल पहुंच चुका हूं और मैं यहां पे एंट्री करने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी यहां पे बहुत हार्ड सिक्योरिटी चेकिंग होता है, तो पहले चेकिंग होगा उसके बाद अंदर हम लोग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे चेकिंग ऐसे कुछ इस तरह का होता है। पहले चेकिंग होगा फिर इसके अंदर हम लोग जाएंगे। और ये भैया लोग हमारे सेवा में खड़े हुए हैं जो कि फोटो खींचने के लिए। जो कि यहाँ पे आप संडे आइए या मंडे आइए, यहाँ पे हमेशा इतना ही भीड़ रहता है और यहाँ पे पब्लिक से ज़्यादा फोटो खींचने वाले भैया लोग दिखते हैं, क्योंकि जितना व्हाइट शर्ट पहन के घूम रहे हैं लोग सब फोटो खींचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग नज़दीक से देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर है अपना ताज होटल एंड ओबराय होटल और ये है अपना गेटवे ऑफ इंडिया। तो काफ़ी यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और जब भी आएंगे तब भी इतना ज़्यादा भीड़ रहता है। सो भाई लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और यहाँ पे एक साइड में काफ़ी कबूतर रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं उस साइड लेके चलता हूँ आपको, जो कि ये देख सकते हैं बैरियर लगाया हुआ है और इधर पानी भी है। तो चलते हैं और ये यहाँ पे पेड़ है, मैं वो आपको पास से जा कर दिखा रहा हूँ, जो कि उसे कबूतरों का पेड़ बोला जाता है। तो चलिए पास से मैं दिखाता हूँ या जूम करके दिखाता हूँ, सामने आप देख सकते हैं ये कबूतरों का पेड़ है भाई। तो देख सकते हैं पत्ते कम और कबूतर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और मैं पास से जाके दिखा भी रहा हूँ। जो ये पेड़ है इसका सिर्फ ठीक नीचे देख सकते हैं कितना ज़्यादा कबूतर बैठे हुए हैं। पहले तो पूरा खुला था लेकिन यहाँ पे बहुत लोग ज़्यादा मस्ती करते थे कबूतरों के साथ, तो यहाँ पे ये चारों तरफ से बैरियर लगा दिया गया है, देख सकते हैं हज़ारों के तादाद में यहाँ पे कबूतर हैं। और ये अपना गेटवे ऑफ इंडिया, इसके पीछे पूरा समुंदर है और मैं अभी उस उधर लेके चलता हूँ और कितना ज़्यादा पानी का जहाज और नाव है, फेरी वाले कितना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। पहले आप इधर देख सकते हैं। और दोस्तों ये है ओबराय होटल और इसके बगल में है ताज होटल। दोस्तों ये वही जगह है जो 2011 को बोला जाता है और यहाँ पे कुछ आतंकवादियों ने यहाँ और CST रेलवे स्टेशन पे हमला कर दिया था, जो कि हमारे बहुत सारे नौजवान और व्यक्तियों का जान और घायल हो गए थे। तो किस रास्ते आए थे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखते रहिए आप दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे जाएंगे बैक साइड में तो एक तरफ पूरा समुंदर ही समुंदर है, तो चलिए उधर मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा व्यूज भी आता है। ये पानी लग गया यार, मैं बरसात के मौसम में आया हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत व्यू है, जो कि पूरा घेर दिया गया है बरसात का मौसम, इसलिए लोग जा ना पाए इसलिए घेर दिया, पूरा मैट लगा के घेर दिया गया है। और बहुत दूर दूर तक नाव वाले दिख रहे हैं। फाइनली दोस्तों यहीं पे चलिए वीडियो करते हैं एंड, और कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट में बताएं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और एक लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा वीडियो लाते रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।